हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल में। आईपीएल के 14वें सीजन के 22वें मैच में मंगलवार को यहां नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी से भिड़ेगी। दोनों टीमों के 8-8 अंक हैं, लेकिन बेहतर नेट रन रेट की बदौलत दिल्ली बेंगलोर से ऊपर दूसरे नंबर पर है। बेंगलोर को अपने पिछले मुकाबले में रविवार को चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके खिलाफ 69 रनों से सीजन की पहली हार झेलनी पड़ी और इससे बेंगलोर का नेट रन रेट खराब हो गया। चेन्नई से हारने से पहले बेंगलोर ने अपने सभी 4 मैच जीते थे। मध्य क्रम में ग्लेन मैक्सवेल और एवी डिविलियर्स जैसे बड़े हिटर हैं, जबकि उनके सलामी बल्लेबाज देवदत्त पंडिकल और कप्तान विराट कोहली का हालिया फॉर्म में बेहतर है। दिल्ली के लिए एक अच्छी बात यह भी है कि ऑलराउंडर अक्षय पटेल कोविड-19 से ठीक होने के बाद टीम से जुड़ गए हैं और रविवार को उन्होंने सुपर ओवर में गेंदबाजी करते हुए टीम को भी जिताने दिलाने में अहम योगदान दिया है। टीम को हालांकि अपने मुख्य स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की कमी खलेगी, जो रविवार के मैच के बाद वापस घर रवाना हो गए। ऑफ स्पिनर अश्विन ने आईपीएल से विराम ले लिया है, क्योंकि वह कोविड-19 महामारी के दौरान वह अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं। अश्विन की गैर मौजूदगी में अमित मिश्रा पटेल टीम के स्पिन विभाग में जिम्मेदारी संभालेंगे। दोनों ने पिछले मैच में हैदराबाद के खिलाफ अंतिम 8 ओवरों में केवल 57 रन खर्च किए थे और 3 विकेट लिए थे। यह देखना दिलचस्प होगा कि कैगिसो रबाडा मैक्सवेल और डिविलियर्स के सामने किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। दिल्ली के टॉप ऑर्डर काफ़ी मजबूत हैं, तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।